अपना देश बचाना था बच गया जी। उस दिन से आप टाइम पर दे भाई बिहेवियर अलग है सर। मेरी तो वोट सिर्फ बीजेपी के लिए है, उसमें कोई भी प्रत्याशी आए माड़े पीछे देख लाग जा कर दे कार्ड के बिना पीछा के नौकरी लुआ हुआ है। साधु संतान की सेवा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, बाबा की भी कर रहा है। जिसमें रजाना जी, जिसमें रजाना सर, उस चीज में भ्रष्टाचार बहुत था, इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी की इस खास पेशकश में। आज हम चुनावी जो यात्रा है उसे लेकर पहुंचे खातला गांव में और लोगों की राय जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए वो किसे पसंद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं और कौन से कैंडिडेट को वो चाहते हैं कि वो पार्टी की तरफ से टिकट लेके आए, फलानी पार्टी से वो आए तो उसे वो सर आंखों पर बिठाएंगे या उसको विधायकी का ताज बनाएंगे। गांव है खातला, यहां पर बिल्कुल छोर पर है सफ़ीदों के, और यहां से ही हम आज चुनावी राय जानने वाले हैं लोगों की और बताने वाले हैं जनता का मूड क्या है। तो आइए हमारे साथ गांव चलिए, जानना चाहेंगे आपसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को आप सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं? तो नरेंद्र मोदी के साथ हमने अपना देश बचाना था बच गया जी। तो अब विधानसभा में किसे वोट देने वाले हैं? वोट जी उसकी पार्टी का जो आदमी है उसको वोट देंगे हम, बीजेपी को। अब बीजेपी को क्या वजह है बीजेपी को वोट देने की? बीजेपी ने जो गरीबों का बड़ा ख्याल किया समाज के अंदर जी। हाँ जी, अगर मैं बात करूं बीजेपी की ओर से, आप किसे कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं, कौन आपको लगता है किन का चेहरा बीजेपी की तरफ से आने वाला है? देखो सर, हम इतने कह सके हमने बीजेपी का तो पता नहीं, कैंडिडेट कोई भी आए हम कैंडिडेट को देखेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट को। हम तो बीजेपी को जीतेंगे, बीजेपी का कोई भी आदमी हो हम बीजेपी उसको दूसरे को जानते जी, जी, जी। हम तो उसी को देना चाहूँगा जो उसकी मोदी के साथ होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गांव के नुक्कड़ है, यहां पर एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वहां पर भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, गांव के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं और किसको वोट देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा में आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी को वोट करने वाले? तो उनसे आप टाइम पर दे भाई बिहेवियर अलग है। कोई कैंडिडेट के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो किसको पसंद करते हो आप? कैंडिडेट तो जसवीर है भाई, जसवीर देशवाल। क्या क्या कारण है जसवीर देशवाल को पसंद करने को? ठीक है, गुआंडे आदमी है जी। जी गुआंडे, बिल्कुल हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं? रिस्पेक्ट करेंगे आजाद को। आजाद को, आजाद जसवीर देशवाल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह, अगर मैं एक आपसे जानना चाहूँ एक वजह पसंद करने की? ठीक है, हमारा लिहाजी आदमी है जी। आपका लिहाजी है तो आप इसलिए वोट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लिहाज प्रेम गांव के अंदर ये अक्सर देखने में आता है, लिहाज प्रेम जो होते हैं, आपसी प्रेम प्यार होता है उसको देखकर ही वोट किए जाते हैं। एक और हमारे युवा साथी है, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी को। क्या कारण है बीजेपी को पसंद करने के? इसमें मोदी के को ही वोटों का कारण है, ना कि पार्टी को वोट है, मोदी को वोट है। मोदी को आखिर क्या वजह है मोदी को इतना पसंद करने की? क्योंकि आज से पहले बहुत सरकार बदली गई है, बहुतों का मतलब रुझान भी रहा है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा जो मोदी ने 5 साल के अंदर बदलाव कर दिया ना हमारे इंडिया के अंदर, ऐसा कभी। जबकि विरोधी कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है मोदी के आने के बाद। नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी जी, बल्कि गरीब आदमी को रोजगार मिला है जी। और अगर मैं बात करूं विधानसभा में बीजेपी की तरफ से अगर कैंडिडेट आते हैं तो किस कैंडिडेट को आप लोग चाहेंगे कि वो टिकट लेके आए और उसे आप जीत दर्ज कराएं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज फिलहाल नया जुड़ा जो बचन सिंघारिया है जी, तो वही टिकट लेके आएगा जी, और मेरे हिसाब से वही बनेगा जी। क्या वजह है अगर बच्चन सिंह टिकट लेके आते हैं तो आप उसे जिताएंगे, क्या कारण है? क्योंकि वो पीछे है ना, 3 प्लान पहले भी रह चुका है मंत्री, और उसको कई पदों के पद भी रह चुके हैं और उसको पॉलिटिक्स के बारे में पता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है केमिस्ट, शॉप चलाते हैं हमारे भाई, उनसे भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव जैसे बिल्कुल सर पर है तो आपसे जानना चाहेंगे किस पार्टी को आप पसंद करते हैं विधानसभा? एक्चुअली जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव में है ना अपना ये जो मोदी था जी,
मोदी को ही वोट गया था, लेकिन अभी तक है ना विधानसभा के लिए वो प्रत्याशी अभी तक सामने आए नहीं है कोई भी, तो प्रत्याशी के आने के बाद ही पता चलेगा कि किसको वोट दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्याशी के तौर पे आप किसे नामित करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे, तो मैं आपकी पसंद जानना चाहूंगा। बट मैं तो है ना यही सोचता हूं कि भाई पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा, और जो अपनी बीजेपी पार्टी है ना, मोदी की पार्टी है, उसी को वोट देंगे। कोई एक पसंद जो बीजेपी की तरफ से आप चाहते हैं कि उसे टिकट मिलनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, लेकिन अपने यहाँ पे जो भी है ये बचना है, बतन सिंह आ रही हैं जो, इनको ही देंगे वैसे तो। क्या वजह आपका गुहांडी है या आप पूर्व मंत्री हैं क्या? एक तो इनको पूर्व मंत्री एक्सपीरियंस अच्छा है, और दूसरा ये बीजेपी की जो सीट आएगी ना उसकी वजह से, ये दो ही वजह हैं। और नाम लिया जाता है बीजेपी में विजय पाल एडवोकेट का, अगर वो टिकट लेके आते हैं तो? सर मेरी तो वोट सिर्फ बीजेपी के लिए है, उसमें कोई भी प्रत्याशी आए, चाहे कोई भी हो, विजय पाल हो या फिर बचन सिंह आ रही हो, कोई भी हो इसमें। जी, अगर विजय पाल आते हैं तो फिर आप उसकी तरफ भी जाएंगे, या बचन सिंह आ रही आते हैं उसकी तरफ भी जाएंगे? आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को आप जिताने वाले हैं? भैया है मोदी वाली पसंद है, बीजेपी पार्टी। क्या क्या कारण है बीजेपी को पसंद करने के? भाई तो बड़का लुवा दे है यूं। जी बिल्कुल। बच्चों को नौकरियां दिलवाते हैं, सिर्फ यही वजह? कांग्रेस में भी नौकरियां तो मिली थी, माड़े पीछे देके लाग जा करते वो पैसे देके लगते थे तो, पीछे दे गई तो बीजेपी सरकार में पैसे नहीं ना, इसमें न्यू में काम चल रहा है, इसमें कोई न्यू नहीं कि भाई पीछे देके लाग। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की को आप जिताने वाले हैं कैंडिडेट, अगर मैं उम्मीदवार की बात करूँ, किस को चाहोगे कि वो टिकट लेके बीजेपी की आए और चुनाव में लड़े? भाई हम तो नहीं चाहे मंत्री है जले के बच्चन सिंह आ रही है, बच्चन सिंह आ रही है कहने करवा देने काम है। जी बिल्कुल, तो चाहते हैं कि बच्चन सिंह आ रही आए, वो चुनाव लड़े बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए बच्चन सिंह आ रही है, खातला है, गुहांड है, ये जो मंत्री का गांव है बुसलाना, बिल्कुल उसके बगल में है, और इसीलिए यहाँ के बाशिंदे चाहते हैं कि पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आ रही है वो टिकट लेके आए और यहाँ से चुनाव लड़े। अब आपसे भी जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव सर पर हैं, किस पार्टी को चाहते हैं कि वो जीते? ऐसा है सर, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जी, हम तो एक विशेष व्यक्ति है बच्चन सिंह आ रही है जी, इसके साथ है, ये कहीं भी कहो कैसे भी किसी को वोट देंगे हम जी। अब हम पहुँचे गांव के ठीक बीचों बीच, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और हैं सज्जन। आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? पसंद का नहीं मेरा भाई, वोटे माओ जी, वो यहाँ कुछ रहो जी, बटन दाबा जी कुछ है जी जी है? तो कौन सी पार्टी, कोई भी पार्टी, क्या कांग्रेस को पसंद करते हैं, क्या बीजेपी को पसंद करते हैं? हम देखें कितना पसंद करेंगे, कुछ नहीं बता सकते हम। अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं, किस कैंडिडेट को चाहेंगे कि वो आए, उसको आप वोट देंगे, कोई आपकी पसंद है? आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को, क्या कारण है बीजेपी को पसंद? कारण तो देश हित के लिए काम अच्छे हो रहे हैं, एक बेरोजगारों को रोजगार बिना इंसाफ के साथ मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी में आप किस चेहरे को चाहते हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको चाहते हैं कि बीजेपी उसको टिकट दे और वो लोगों के बीच चुनाव लड़ने आए? कोई भी कैंडिडेट आए, कोई भी कैंडिडेट। पहली पसंद अगर आपकी कहा जाए कि आप किसे चाहते हैं वो आए? वही तो हमारे तो कलीराम पटवारी। कलीराम पटवारी, आप चाहेंगे कि कलीराम पटवारी टिकट लेके आए और बीच मैदान? हाँ जी बिल्कुल, नहीं वैसे तो कोई भी आए, लेकिन च्वाइस है एक, जसमेर रजाना हमारे प्यारे मित्र हैं, वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे पहले तो हम जसमेर जाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मैं तो कोई चीज़ नहीं करता भाई। क्या क्या कारण है इतनी बेरुखी का? बेरुखी का कुछ काम नहीं करते, कह रहे हो जबकि अभी अभी भाई ने कहा है कि बीजेपी ने काम किए हैं। ना कुछ नहीं कराया जी, काम करे होंगे इसके करे होंगे, कुछ करे नहीं, घाट पड़े ही नहीं बने जी जी। यहाँ पर एक घाट है, दिखाना चाहूँगा दर्शकों को घाट को लेके लोग बिल्कुल बिल्कुल ये दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कहते हैं घाट को लेकर काम नहीं किए गए, इसलिए यहाँ पर नाराज है सरकार से, और भाई हैं हमारे वो दिखा रहे हैं जो घाट के अंदर जाकर दिखा रहे हैं, टूटी पड़ी हैं ईंटें, टूटी पड़ी हैं, काफ़ी परेशानी वाला स्थिति है।
पार्टी जो काम करवाओगी जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी काम कराएगी? काम तो जी बीजेपी करवाओगी तो। हाँ हाँ, कहते हैं कि काम नहीं हुआ लेकिन काम बीजेपी ही कराएगी, ऐसा क्या है? संभावना जी, कह रहे हैं कट्टर साहब, कह रहे हैं जी। तो अब अगर कैंडिडेट की मैं बात करूँ, किस कैंडिडेट को पसंद करेंगे कि फलाना कैंडिडेट आना चाहिए टिकट लेके लोगों के बीच चुनाव लड़ने के लिए? जसवीर देशवाल जी। जसवीर देशवाल, क्या कारण? काम ठीक करवाया जी मारगांव में जो ना। तो जसवीर देशवाल मौके के विधायक है, तो आपने क्यों नहीं उनसे कह के जोड़ को ठीक कराया जी? सुना कई बार आश्वासन दुआ बोले करवाऊंगा जी, ग्रांट नहीं आज उसका, ग्रांट नहीं जी। ठीक, एक और हमारे युवा भाई हैं, राजनीति की अच्छी समझ होती है युवाओं को, आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा में कौन सी पार्टी को आप वोट देने वाले हैं? भाई वो तो बीजेपी बढ़िया है जो जो कर काम कर रही है जी। और वो तो भाई सारी ठीक है, जो काम ना करेगी तो। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी में किस कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो टिकट लेके आए और चुनाव लड़े? कोई सा है जो आज बढ़िया युवा आना चाहिए। तो आपके आपकी पसंद कौन सा युवा है जिसको आप लाना चाहते हैं? जसमेर रजाना। जसमेर रजाना को, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब हम जो गांव के बीचों बीच एक मंदिर है वहां पर पहुंचे और काफ़ी लोग यहां पर बैठे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ताशों पर बैठे को वैसे तो छेड़ना नहीं चाहिए, ताऊ जानना चाहेंगे आपसे कौन सी पार्टी को विधानसभा में आप पसंद करेंगे? यह बीजेपी की है। बीजेपी, क्या वजह है बीजेपी को पसंद करने की? बिल्कुल, आपको जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी को पसंद? बीजेपी को भाई। क्या क्या कारण है बीजेपी को पसंद करने? कारण के बिना पीछा के नौकरी लुआ हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नौकरी के अलावा और भी कोई काम किया बीजेपी ने? विकास तो सबका बराबर कर रही है जी, छोटे बड़े को सबको विकास कर रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बीजेपी की ओर से कौन सा चेहरा चाहते हैं कि वो MLA का उम्मीदवार हो? MLA का तो भाई किसको कह सके है अभी। आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत पसंद? व्यक्तिगत तो हम तो इसको देशवाल को चाहूंगा अगर ये आ जाता है तो। जसवीर देशवाल अगर फिर से बीजेपी के टिकट पे आते हैं तो जिताओगे? बिल्कुल बिल्कुल जिताओगे, और जीतेगा जी। क्या 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 कारण है इसको जिताने के? इसने सबका साथ दिया बिल्कुल, लोगों का किसों की बुराई नहीं ली, सब अच्छे काम किए हैं, सबको साथ मिलकर चलिया है। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो उन्होंने कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए हैं? बस उसने कोई काम छोड़े को नहीं, जो कर सबका विकास हो, सब काम किए हैं। आपके गांव में अगर मैं बात करूं कौन सा ऐसा कार्य है जो आप कह सकते हैं जसवीर देशवाल विधायक ने कराया? हमारा 4 चौपाट बनवा दी उसने जी गांव में, पहले नहीं थी अब बनवाई गई है। नहीं बनवा दी उसने 4 चौपाट। एक और हमारे हैं सज्जन, उनसे आपसे जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी को पसंद करेगा भाई? बीजेपी। बीजेपी का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाबा हैं यहाँ पर, बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जिताने वाले हैं? बीजेपी को ही। बीजेपी को, क्या वजह है? साधु संतों की पार्टी इसलिए? साधु संतों की सेवा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, बाबा की भी कर रहा है और आम गरीबों की भी कर रहा है जी जी। तो आप इसलिए बीजेपी को जिताने वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे किस पार्टी को जिताने वाले हैं? बीजेपी को ही। क्या क्या कारण है बीजेपी को जिताने के? बताया दी यार और बता। बीजेपी जीतेगी भी, सारे जीतान ला ही रहे जी भाई। यहाँ पर हमारे एक और भाई है, उनसे भी हम जानेंगे कि किस पार्टी को वो पसंद करते हैं, किसको वोट देने वाले हैं, किस कैंडिडेट को जिताने वाले हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, विधानसभा चुनाव सर पर है, उसमें किस पार्टी को आप जिताने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी को, क्या वजह है बीजेपी को जिताने की? सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी, सरकार ने कौन से अच्छे काम किए? रिश्वतखोरी जी, रिश्वतखोरी नहीं है जी। काम अच्छे करती है जी। और जो ये अभी चलाया है इसके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत, इसे काफ़ी सुधार हुआ है जी, जी। और गांव में विकास भी हुआ है। तो आए दिन गैंग रेप की घटनाएं, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि डेली के डेली कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना, छेड़खाने की घटना आए दिन होती रहती है? सरकार के दावों की वो फॉल खोलते हैं? ये तो सभी जो भी सरकार आती है ऐसे ही होता है जी। तो इस सरकार में एक्शन भी तुरंत लिए जाते हैं, जो पीछे नहीं होते थे। पीछे पिछली सरकार ऐसी थी जो कि क्राइम होते थे तो सुनवाई नहीं होती थी, इस सरकार में ऐसा नहीं है। कार्रवाई क्राइम तो होते ही रहते हैं जी। और एक ये अच्छी सोच है कि तुरंत इसमें कार्रवाई होती है, एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये तो बात हुई बीजेपी पार्टी की, अगर मैं बीजेपी पार्टी में भी बात करूँ, किस कैंडिडेट को आप चाहेंगे कि वो टिकट लेके आए, लोग उसे जिताएं? कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छा कैंडिडेट आए जी,
कैंडिडेट जो है इसे जाट से आए, ईशानी से आए, किसी भी मैं एक एक पर्टिकुलर नाम चाहूँगा आपसे, आपके क्षेत्र से कौन सा बीजेपी का ऐसा चेहरा है जिसको आप चाहते हैं कि वो मैदान में उतरे? जिसमें रजाना जी। जिसमें रजाना, क्या वजह है? अच्छे हैं कार्यकर्ता, अच्छे हैं, सोच अच्छी है, नए युवा नेता है और निपक्ष हो के काम करते हैं। तो आपका वोट जसमेर रजाना को जाने वाला है? जसमेर रजाना। खातला गांव में हम पहुंचे हैं नुक्कड़ पर, और यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए कि माता जी हैं। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे किस पार्टी को विधानसभा में आप पसंद करते हैं, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो मोदी को ही वोट देंगे भी आगे मोदी को, और इसने पसंद करते हैं हम तो। जी, क्या कारण है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उसको पसंद करने के? सारी सुविधा कर रखी इसको। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की ओर से, आप किसे चाहेंगे कि वो टिकट लेके आए, आप उसे MLA बनाएंगे? हम तो मोदी को ही, मतलब हमारा तो मोदी है, जो मोदी ही आपके लिए MLA है। बिल्कुल, ये कहते हैं कि हमारा वोट मोदी को जाने वाला, कोई भी आ जाए बीजेपी की ओर से वो उसे ही देने वाले हैं। करियाना शॉप है, फास्ट फूड शॉप है, यहाँ पर भी हैं, हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे अब विधानसभा में आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? आई थिंक बीजेपी इज राइट। बीजेपी, क्या क्या कारण है बीजेपी को पसंद करने के? बीजेपी ने जो भी हमारे देश में हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं, बच्चों को भी हेल्प की है, एंड जो महिलाएं हैं उनको भी, हर एक जो पुअर फैमिली है उनको हेल्प की है, प्रोडक्शन की है, और जो इंटरनेशनल और नेशनल हैं उनको भी प्रोडक्शन दी है। थैंक यू। मतलब इंटरनेशनल मुद्दों पे आप कहना चाहते हैं कि अपना पक्ष सरकार ने अच्छे से रखा है, इसी करके आप बीजेपी को पसंद करते हैं? ये साथ तक पार्टी आई है, उन्होंने इतना वो नहीं किया है, बट ही इज ग्रेट। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की ओर से, कौन सा कैंडिडेट आप लोग चाहेंगे कि आपके बीच आए, आप उसे MLA बना के विधानसभा में? फॉर पॉलिटिक्स। जी, लोकल कैंडिडेट को नहीं, आप सिर्फ बीजेपी को देख के वोट करेंगे? उन्होंने जो उपलब्धियाँ की हैं, उन्होंने कार्य किए हैं, उनके वो ग्रेट हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट से नहीं, बीजेपी से मतलब है, और बीजेपी को ही वो वोट करने वाले हैं। और है भी लोग, मोदी का जो जादू है वो सर चढ़कर अभी तक बोल रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की, अभी तक वो जादू बरकरार है, और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये जादू ऐसे ही रहे, फिर हो सकता है कि बीजेपी की टिकट से चाहे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आए तो उसे सर मत्थे पर बिठाने का काम हल्के की जनता करेगी, और सफ़ेदों के जो विधायकी का ताज है वो उसी के सर पे सजे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट निकाल देगी मैदान में, उसके बाद फिर पता चलेगा असली रण क्या होता है और कौन जीत दर्ज करेगा। यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा में कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं आप? बीजेपी। क्या वजह है बीजेपी को पसंद करने की? अच्छे काम करती है। अच्छे काम करती। कौन से ऐसे अच्छे काम हैं जो उन्होंने कराए हैं? सड़कें बनवा दी हैं, फिर गांव की सभी दावी कर दी हैं, एक दो बस लगवा दी हैं। जी। और कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं? बहुत काम किए हैं, और इससे पूछ लो। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी को वोट करने वाले हैं विधानसभा में? सर बीजेपी को। क्या वजह है? सर ये सरकार बहुत ही अच्छी है, और जैसे नौकरियों में पारदर्शिता, खट्टर साहब की बहुत बड़ी देन है, गरीब आदमियों के भी बच्चे लग रहे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। तो क्या कांग्रेस सरकार में बच्चे नहीं लगे थे नौकरी? सर उस चीज़ में भ्रष्टाचार बहुत था, इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, और फुल सपोर्ट करेंगे आने वाले विधानसभा में बीजेपी को। विधानसभा में आप बीजेपी की ओर से कौन से कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो टिकट लेके आए और चुनाव लड़े? बच्चन सिंह आर्य जी। बच्चन सिंह आर्य, आपकी तरफ से कौन सा कैंडिडेट है जो चाहते हैं कि आए? बच्चन सिंह आर्य जी। तब तक बने रहिएगा कंचन TV के साथ, कैमरामैन धर्मवीर पाल के साथ मैं यशपाल कंचन।